अब शुरुआत करते हैं विकेंड बोल ट्रेंडिंग की और शुरुआत मौसम की खबरों से। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से भारी नुकसान की खबर आ रही। बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, वहां पहाड़ के सकने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड की घटना बद्रीनाथ हाईवे में बाबा नदी सभी वहां पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा टूटकर पहले सड़क पर गिरा और उसके बाद सैकड़ों टन मलबा नदी में समा गया। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना हादसा और भयानक हो सकता था। नेशनल हाईवे बंद होने से वहां कई गाड़ियां फंस गई और प्रशासन भी मलबा हटाने के काम में इस वक्त जुटा हुआ। और आपको जरा जल्दी से बता दें कि कल कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। तो दिल्ली में जो मौसम रहने वाला है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड, लखनऊ में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अलावा पटना में 33 डिग्री का टेम्परेचर, भोपाल में 28 डिग्री, जयपुर में 30 डिग्री, कोलकाता 33, मुंबई 28, अहमदाबाद 30। लेकिन एक बात कॉमन है कि उमस भरी गर्मी हर शहर में रहने वाली। तो अंतरिक्ष में भारत एक और इतिहास लिखने को तैयार है। चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। देश में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार खत्म होने वाला है। ये स्पेसशिप चांद पर उतरने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 13 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। इसकी सफलता के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने का है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण लगाए गए, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया और जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हुआ उस पर फोकस किया गया। चंद्रयान के अंदर ऐसे यंत्र हैं जो रोशनी और खनिज की हीट के आधार पर चांद की स्टडी करेंगे। लैंडर में चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लगा है जो चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान की स्टडी करेगा। क्रिकेट फैंस वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहली बार पूरी तरह भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहे वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो चुका है। टीम इंडिया को अपने 9 लीग मैच 9 अलग अलग शहरों में खेलने हैं। इसके लिए 34 दिनों में टीम इंडिया को 9 मैच खेलने के लिए 10,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के बाद टीम इंडिया को दिल्ली में अफगानिस्तान से मैच खेलना है। इसके बाद 1761 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। दिल्ली के बाद टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। वहां से 775 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अगला मैच होगा पुणे में बांग्लादेश से। अहमदाबाद से पुणे की दूरी 518 किलोमीटर। पुणे के बाद टीम इंडिया धर्मशाला में न्यूजीलैंड का सामना करेगी और इसके लिए फिर 1543 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। धर्मशाला के बाद टीम इंडिया का लखनऊ में मैच है। लखनऊ के बाद मुंबई, मुंबई के बाद कोलकाता और कोलकाता के बाद फिर बेंगलुरु में मुकाबला है। यानी कुल मिलाकर की टीम इंडिया को एक शहर से दूसरे शहर जाने में ज्यादा समय लगेगा। होम एडवांटेज भी सीमित होगा और अलग अलग वेदर का सामना भी टीम इंडिया को करना होगा। टीम इंडिया के इस मैराथन शेड्यूल को लेकर के जानकारों का कहना है कि इससे टीम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। अब खबर अगली अहम खबर की बात। अगली अहम खबर अमरनाथ यात्रा से। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक करीब 3 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की तादाद 10% बढ़ी है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू होगी और 31 अगस्त को खत्म होगी। इस बार यात्रा 62 दिनों तक चलेगी और अब तक ये सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहलगाम और बालटाल में तैयारी पूरी हो चुकी है और सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए। और अब बात सरकारी नौकरी तलाश में जुटे युवकों की। कहां कहां किन किन पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता पद की वैकेंसी निकाली है। इस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन jkpsc.nic.in पर किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन आज रात 11:50 तक कर सकते हैं। राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन recruitment.rajasthan.gov.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख है 10 जुलाई। आपके पास वक्त है अप्लाई करने का। अब आपको दिखाते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें बिग एंड बोल्ड क्विक में महज 1 मिनट में। इंडिगो एयरलाइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बुधवार को 1,00,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। ये अचीवमेंट को हासिल करने वाले इंडिगो देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई। डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो की 61% हिस्सेदारी है और वर्तमान में 26 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट ऑपरेट करती है।
क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और मॉडल सपना गिल के बीच बहस मामले में 4 महीने बाद एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो में शोभित ठाकुर पहले पृथ्वी शॉ के पास सेल्फी लेने जाता है। सपना अपनी इस टेबल पर बैठी रहती है। शोभित और पृथ्वी के बीच पहले बहस, फिर हालात मारपीट तक पहुंच जाते हैं। दोनों के दोस्त बीच बचाव करते हैं। कुछ देर बाद सपना अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आती है। इस फुटेज को सपना गिल और उनके दोस्त शोभित ठाकुर की ओर से वकील ने मुंबई की अदालत में पेश किया।